आज का नया टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। क्या है स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, यानी ढांचा बनाता है। क्या बनाता है? ढांचा। यानी कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क, यानी ढांचा जो बनता है वो किससे बनता है? स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? बोन से बना होता है। किससे बना होता है? बोन से बना होता है। मेरे बात नहीं? तो अब हम स्केलेटल सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो हमने एनिमल टिश्यू में जो बोन के बारे में पढ़ा, तो वो हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बोन की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, बोन के कैसा अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर कितने टाइप की बोन होती हैं हमारे बॉडी में, कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ये इनके बारे में यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है, यानी हम कैसे इसको पढ़ते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो हमारा है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन कौन सा? एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल मतलब ये हमारी बॉडी की एक्सिस है। क्या है ये? हमारी बॉडी की क्या है? एक्सिस। इस एक्सिस पर जो बोन पाए जाएंगे वो कहलाएंगे एक्सियल स्केलेटन। बात समझ गई? दूसरे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के सब जो एक्सियल स्केलेटन से अलग, जैसे कि लिम्स की बोन है, यानी कि अपर एंड लोअर लिम्स की बोन, और उनको एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने वाली बोन्स। बात समझ रहे? यानी हाथ और पैर, हाथों की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ, ये आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, और वो हड्डियाँ आती हैं जो लिम्स को, यानी कि अपर लिम्स, यानी हाथ को, यानी अपर लिम्स ये है इसको, और पैर जो है अपर लोअर लिम्स है इसको, जो हमारी बॉडी से जोड़ने वाली हड्डियाँ हैं वो आती हैं। बात समझ गए? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स की बोन्स होती हैं, और एक्सियल स्केलेटन में हमारे बॉडी की मेन बोन, मेन बॉडी जो है उसकी जो एक्सियल एक्सिस है उसकी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं। क्लियर बात नहीं? अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी हड्डियाँ एक्सियल स्केलेटन में, कौन सी हड्डियाँ होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में एक तो होती है बोन्स ऑफ स्कल, ये हमारे जो है स्कल है ये पूरा, ये बोन्स ऑफ स्कल है, स्कल की बोन्स होती है। ये टोटल 28 बोन्स है। कितनी है? 28 बोन्स। उसके बाद नेक्स्ट है वर्टेब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, इसकी हड्डी ये 26 होती है। कितनी होती है? 26। उसके बाद फिर हम चलते हैं स्टर्नम एंड रिब्स। स्टर्नम बीच की जो है, ये चेस्ट बोन जिसे कहलाती है, ये बीच की हड्डी है। ठीक है, सेंटर में होती है, चेस्ट बोन कहलाती है, स्टर्नम कहते हैं, ये एक सिंगल बोन होती है। उसके बाद फिर 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, यानी कि 12 जोड़ी रिब्स, यानी पसलियाँ होती हैं, ये रिब्स 24 इसमें लिखा हुआ है, 12 जोड़ी यानी 24। क्लियर हो गई? उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया कौन सी बोन्स, ये कौन सी बोन्स हुई? एक्सियल स्केलेटन के बारे में हुआ। एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन्स ऑफ स्कल आती है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, और स्टर्नम एंड रिब्स। क्लियर हो गई? तो ये तो हो गया एक्सियल स्केलेटन के बारे में, समझ में आई बात नहीं? उसके बाद नेक्स्ट जो स्केलेटन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बोन्स ऑफ अपर लिम, बोन्स ऑफ अपर लिम एंड सपोर्टिंग बोन्स, यानी अपर लिम को सपोर्ट करने वाली बोन्स। बस मिल रहा है। दूसरी चीज बोन्स ऑफ लोअर लिम और लोअर लिम को सपोर्ट करने वाली बोन्स। बस मिल रहा है। ये दो ग्रुप हो गए यहाँ पे, एक अपर लिम की बोन्स और उनको सपोर्ट करने वाली बोन, दूसरे बोन्स ऑफ लोअर लिम और उनको सपोर्ट करने वाली बोन्स। बस मिल रहा है। अब अपर लिम की बोन्स करीब 30 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? हाँ, हाथ में, एक हाथ में कितनी हड्डी होती है, कितनी बोन्स होती है? 30 होती है। दोनों मिला कितनी जाएंगी? 60 बोन्स हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक हाथ में कितनी होती है? 30, और दोनों मिला के 60 बोन। इसी तरह से लोअर लिम्स में भी, लोअर लिम में एक पैर में 29 बोन्स होती है, तो दोनों मिला के 58 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बोन्स ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम। अब उनको सपोर्ट करने वाली बोन्स, तो अपर लिम की जो सपोर्टिंग बोन्स होती है वो दो होती है, एक क्लेविकल और दूसरी स्कैपुला। ये भी पेयर्स में होती है, इसलिए दो दो लिखा हुआ है भाई। क्लेविकल मतलब ये कॉलर बोन होती है, इसको क्लेविकल कहते हैं।
एक क्लैविकल हो गई, और इस पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर बोन है। जब आप ऐसे करिए देखिए तो पीछे हड्डी उभरती है, ये स्कैपुला है। ये दोनों हड्डियां क्या करती है, ये दोनों हड्डियां अपर लिंब को सपोर्ट करने वाली हो, यानी अपर लिंब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती है। इसे जोड़ती है, एक्सियल स्केलेटन है, इससे जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं अपर लिंब्स को जोड़ने वाली जो हड्डियां, ये सपोर्टिंग बोन है। दो क्लेविकल और दो स्कैपुला, यानी एक पेयर ऑफ क्लेविकल और एक पेयर स्कैपुला बोन होती है, ठीक है। उसके बाद बोन्स ऑफ लोअर लिंब में उनको जो सपोर्ट करने वाली बोन होती है वो होती है तीन हड्डियां होती हैं, तीन बोन्स होती हैं, और तीन पेयर ऑफ बोन होती हैं, और तीनों यानी छः बोन्स मिल करके एक कंप्लीट बोन बनाती है, जिसको कहते हैं, मतलब उसमें तीन बोन मिल करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको पेल्विक बोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेल्विक बोन, यानी कि ये पेल्विक है, पेल्विस है, पेल्विक बोन, ये पूरी चारों ये पूरे बोन बनती हैं। ये तीन यानी तीन पेयर ऑफ बोन से मिलकर बनती है। एक इलियक बोन, जिसे यहाँ पे हाथ रखी, जो हाथ रखा, ये जो बोन है ये इलियक बोन है, जहाँ पे आप कमर पे हाथ रखते हैं ये बोन जब महसूस होती है ये इलियक बोन है। उसके बाद प्यूबिस बोन, वो आगे की तरफ होती है। इशियम बोन, वो बोन जिस पर आदमी बैठता है, जिस पर बैठा जाता है वो इशियम बोन, इसीलिए इसको सीट बोन भी कहा जाता है। बस समझ रहे, वो पीछे की तरफ होती है, नीचे की तरफ, नीचे पीछे की तरफ होती है, और वो प्यूबिस नीचे आगे की तरफ होती है। तो इस तरह से ये जो है तीन बोन ये हो गई, यानी कि तीन पेयर ऑफ बोन हो गई, इसलिए दो दो लिखा हुआ है, ठीक है। तीन इधर होंगे, तीन इधर होंगे, ऊपर इलियम हुआ, इलियम बोन हो गई, इलियक बोन हो गई, फिर उसके बाद आगे प्यूबिस होगी, पीछे एशियम होगी, इधर इधर भी। तो दोनों तीनों पूरा एक मिल करके एक बोन, एक बोनी स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं इनोमिनेट या पेल्विक बोन। क्या कहते हैं? इनोमिनेट और पेल्विक बोन। तो ये इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर हो गया, बस समझ में। तो ये है एक्सियल स्केलेटन, हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। यानी हमें पहले स्कल की बोन पढ़ना है, वर्टिब्रल कॉलम भी, स्टर्नम भी, फिर उसके बाद ये अपर लिम्ब की सपोर्टिंग बोन पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है अपर लिम्ब की बोन पढ़ना है। बोन्स ऑफ लोअर टाइप्स ऑफ बोन जो है ये हमें लगता है लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इररेगुलर बोन्स। कितने होती हैं? लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इररेगुलर बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन्स जो है वो होती है जिनका जो लॉन्ग होती है, ठीक है। क्या होती है? लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग जिनका शेप यानी लॉन्ग होता है, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है वो ब्रेथ से बहुत ज़्यादा होती है, यानी इनकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें कहते हैं लॉन्ग बोन। बात समझ नहीं, क्लियर बात नहीं। जैसे जितने भी लिम्स की बोन है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये बोन है, लिम्स की बोन है जितनी भी है ना, ये सब क्या है? लॉन्ग बोन्स है। बोन ऑफ लिम्स जो है वो लॉन्ग बोन्स है, क्लियर है। उसके बाद फिर शॉर्ट बोन कौन सी बोन्स होती हैं? वो बोन्स होती हैं जिनकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से, यानी इनकी लेंथ बहुत कम होती है, यानी ब्रेथ और लेंथ करीब करीब बराबर होती है, ठीक है, वो कहते हैं शॉर्ट बोन्स होती है। जैसे कि कार्पल्स एंड बेटा कार्पल्स, क्या है? कार्पल्स हैं, बेटा कार्पल्स हैं, इस तरह की बोन्स हैं, वो शॉर्ट बोन्स होती हैं। दूसरी फ्लैट बोन्स होती हैं जो जिनका स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, यानी कि जैसे कि जाने जिनका जो जिनकी जो मतलब चौड़ाई ज़्यादा होती है ना, उनकी जो है चौड़ाई फ्लैट होती है, बोन होती है, इनको कहते हैं फ्लैट बोन, उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट होता है, बस समझ रहे हैं, चपटा हुआ स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है। ऐसी बोन्स वो सारी जो स्कल के हमारी बोन्स हैं, खासकर क्रेनियम की जो बोन्स हैं, वो फ्लैट बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इररेगुलर बोन्स वो बोन होती है जिनका शेप जो है कोई जो है डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनिट शेप जिनका होता है, ठीक है, वो कहलाती है इररेगुलर बोन। जैसे कि हमारे वर्टेब्री जो है, रीढ़ की जो हड्डियाँ हैं उनका शेप इररेगुलर होता है, तो वो वर्टेब्री वो इररेगुलर बोन होगी। तो चार तरह की बोन है, लॉन्ग बोन्स जो कि है ना, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इररेगुलर बोन्स। तो ये हो गया बोन्स का टाइप, क्लियर है ना, नहीं टाइप्स ऑफ बोन ये हो गया। इतनी बात समझ आ गई? ये तो हो गया आज एक इंट्रोडक्शन, कैसे हम स्केलेटल सिस्टम को हम पढ़ेंगे, कितने डिविजन्स में, और जो है टाइप्स ऑफ बोन क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ स्कल के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बोन्स ऑफ स्कल के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, उनकी अलग अलग बोन्स हैं और उनके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर, क्या चीज़ क्या बनाती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर बात नहीं?